फ्रेंड्स बीएससी एस सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट थ्री देख रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड ठीक है acid, तो आज हम उसमें बात करेंगे डीएनए तथा आरएनए के बारे में ठीक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर उसका जो पूरा नाम होता है और आप में उसमें मतलब कौन कौन से क्षारक उपस्थित होते हैं वो सब कुछ देखेंगे ठीक है तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा तो चलो बात करते हैं डीएनए तथा आरएनए की तो देखो डीएनए के की अगर पूरे नाम की बात करें तो इसका नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है ये एक न्यूक्लिक अम्ल है आप देखो दूसरा आरएनए का नाम क्या होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल ठीक है तो ये इसके पूरे नाम है अब डीएनए में जो होता है वो होती है डी ऑक्सी रायोस सरकरा डीएनए में डीआक्सी राइबोस सरकरा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस सरकरा पाई जाती है ठीक है ये तो एकदम बेसिक है इसका डीएनए तथा आरएनए का आप बात करें डीएनए और आरएनए में कौन कौन से क्षारक उपस्थित होते हैं तो देखो डीएनए में आपका फास्फोरिक एसिड नाइट्रोजीनस बेस और डीऑक्सी ऑक्सी राइबोस सुगर उपस्थित होती है ठीक है अब ये जो नाइट्रोजीनस बेस होती है ये दो प्रकार से हो सकती है प्यूरिन और दूसरी होती पिरामिडीन ठीक है पिरामिडीन हो जाती है आपकी आप देखो नाइट्रोजिनस बेस अर्थात नाइट्रोजनी छारक ठीक है हिंदी में कह सकते हो तो नाइट्रोजनी छारक आप प्यूरिन दो प्रकार से होगी आपकी एडीन और दूसरी होगी गुआ ठीक है पहली हो गई एडीन दूसरी कौन सी हो जाएगी गुआ ठीक है तो ये दूसरी होगी गुआ इसी प्रकार से पिरीमिडीन भी दो टाइप की होगी आपकी पहली होगी कौन सी आपकी थायमिन और दूसरी हो जाएगी साइटोसिन ठीक है अब दूसरी कौन सी हो जाएगी साइटोसिन

DNA में उपस्थित कौन आप देख सकते हो कि देखो डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन पिरािडीन क्षारकों के रूप में होते हैं देखो पिरामिडिन क्षारकों के रूप में थायमिन और साइटोसिन डीएनए में ठीक है और आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरामिडीन क्षारकों के रूप में होती उसमें कौन सी पिरा में और साइटोसिन मतलब की जगह हो जाता है में आपका ठीक है तो ये इसके दो अंतर तो हमने पहले ही सीख लिए पहला अंतर देखो सरकार के हिसाब से हो गया और दूसरा ठीक है ये दो अंतर आपके और में हो गया। तीसरा अंतर देखो डीएनए जो होता है या केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोमुड़ सूत्र में पाया जाता है डीएनए कहाँ पाया जाता है केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम गुणसूत्र में और आर एन ए मुख्यता कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है डीएनए में द्विकुंडली संरचना होती है और आर एन ए में एक सूत्री कुंडली संरचना होती है डीएनए जो होता है देखो उसमें एक सूत्री कुंडली संरचना अगला डीएनए अन्वानशिक पदार्थ है जिसमें विभिन्न कोशिकाई एवं जैविक क्रियाओं के लिए सूचना निहित होती है और आर एन ए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है ठीक है तो देख सकते हो ये इसके पूरे अंतर है आपके इसके डिफरेंस है डीएनए तथा आर एन ए में एकदम आसानी से आप सीख सकते हो ठीक है तो आपने क्या क्या सीखा डीएनए तथा तो आरएनए में अंतर डीएनए और आरएनए में कौन कौन से छारक होते हैं उसको भी आपको याद कर लेना ठीक है इंपॉर्टेंट है और याद करना नहीं पड़ेगा एकदम आसान है ठीक है प्रैक्टिस कर लेना तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना ठीक है टॉपिक इंपॉर्टेंट था तो ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो